बीसीके चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए भैया वो एमसीक्यू एक दो तो पूछना था उस चैप्टर अभी क्लास में किस कौन से चैप्टर से। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बिजनेस के ग्रोथ में सरकार का क्या योगदान होता है, गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है। भैया आप हम लोग को बताए थे कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस के एक्सटर्नल होता तो है बट उसको अफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मैक्रो एलिमेंट्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। फिस्कल पॉलिसी बोले थे, मॉनेटरी पॉलिसी बोले थे, कुछ कुछ याद आ रहा है भैया। चैप्टर नंबर 2 हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। अभी बुक में देखें बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है, भर भर के ज्ञान है। तो व्हाट आई डिड वाज आई हैव सेंट यू सम नोट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तुम लोग को वो नोट्स को रेफर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स समरी चार्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक है। जैसे कि इंडिया का जो पब्लिक पॉलिसी है वो तीन टाइप का है। एक जिसमें ये लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पे फोकस करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक में चेंजेस ला लाकर हम बिजनेस को मदद करें। दूसरा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बताएंगे इस बारे में। एंड तीसरा पॉलिसी आउटकम्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीन अलग तरीके से इंडिया में पॉलिसी बनता है और टारगेट किया जाता है। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लिबरलाइजेशन। भैया व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना, छूट देना। गवर्नमेंट छूट दे रहा है पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करता है ना, जब वो देखता है कि पब्लिक मनमानी करने लगा है बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देता है पब्लिक के लिए कि तुमको लाइसेंस चाहिए होगा बिजनेस चालू करने के लिए, तुम्हारे बिजनेस पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा, तुम्हारा बिजनेस में मिनिमम इतना कैपिटल रखना जरूरी है। ये सब गवर्नमेंट आदेश दे सकता है। और जब देखता है, असल में ना ये सब आदेश जो गवर्नमेंट देगा इसका खराब इफेक्ट होगा। टैक्स बढ़ा दिया, क्या अच्छा बात है, रेस्ट्रिक्शंस दे दिया, क्या अच्छा बात है, तो कहा जाता है कि भाई चिल करो, जितना लिबरल रख सकता है पॉलिसीज को उतना रखो। एक्चुअली ये तीन कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1991 में आया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फिनेंस मिनिस्टर थे, उनका ये पहल था। लिबरलाइजेशन में बोला छूट दो, प्राइवेटाइजेशन में बोला चलो प्राइवेट कंपनी को भी काम करने दो, ग्लोबलाइजेशन में बोला सिर्फ इंडिया में क्यों बेच रहा है, पूरे दुनिया में बेच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिबरलाइजेशन से डील करते हैं बुक से। पेज नंबर 4.3.1 लिबरलाइजेशन। हाथ में होना चाहिए पेंसिल और दिमाग होना चाहिए खुला। सबसे पहले लाइन में अंडरलाइन करो लूज एंड रेस्ट्रिक्शंस। लिबरलाइजेशन में रेस्ट्रिक्शंस कम किया जाता है। 1990 से पहले प्राइवेट सेक्टर पे गजब रेस्ट्रिक्शन था, गजब रेस्ट्रिक्शन। हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत झंझट। लेकिन 1991 से जब लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया तब सरकार छूट देने लगा प्राइवेट सेक्टर को कि तुमको बिजनेस खोलना है, एक काम करो तुम लाइसेंस मत दो। बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसको लाइसेंस लेने का जरूरत। भैया लिबरलाइजेशन करके कोई टॉपिक तो नहीं दिख रहा है पुराने बुक में? नहीं है, ये नया बुक का सब कुछ सिलेबस, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे फील्ड्स में लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर 1 डिफेंस में, एयरक्राफ्ट में, वॉरशिप में, जितना भी वॉर का सामान है, बंदूक, तोप, फ्लाइट जो एरोप्लेन होते हैं, एयर फाइटर्स, जो फाइट करने वाले शिप क्राफ्ट होते हैं, वो सब के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरा एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, और तीसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये तीन के लिए
आज भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ सरकार यहाँ पे काम करना चाहता है। बाकी टेलीकम्युनिकेशन, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, प्लांट एंड मशीनरी हर कंपनी बना रहा है, आयरन स्टील हर कोई बनाने लगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने लगे लोग, ऑयल, मिनरल, एयर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब में पहले प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। ओके, अगेन जो जो अंडरलाइन है तुम लोग देख के अंडरलाइन करते जाओ, जिनके पास बुक्स है। यहां पे बोलता है, लिबरलाइजेशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड इनहेंसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को छूट मिल रहा है ताकि वो बड़ा हो सके, वो अपने फ्रीडम का इस्तेमाल कर सके और बेहतरीन काम कर सके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विसिंग इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं भी हो। छूट मिलना शुरू हो गया था 1990 से। अभी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अबॉलिश हो चुका है। बहुत कम ऐसे एरिया में लाइसेंस का जरूरत होता है जहां पे कुछ हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, बम वगैरह, एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई, ये सब के लिए आज भी लाइसेंस का जरूरत है। भैया ऊपर जो तीन था वो तो गवर्नमेंट है ना, वो तो सरकारी लाइसेंस है, सरकार ही बना सकता है। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी कंजम्पशन, डिफेंस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, सरकार बना सकता है, प्राइवेट तो उसमें घुसेगा ही नहीं। लेकिन अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोसिव, एरोस्पेस, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, इसमें तो प्राइवेट कंपनी होता है, तो उसके लिए उन लोग को लाइसेंस चाहिए। बाकी किसी के लिए आजकल लाइसेंस का उतना ज्यादा जरूरत नहीं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो इनफ। अभी जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है, बहुत बड़ा बड़ा जियो टाइप, वो लोग अगर चाहे तो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। जियो वॉज ऑन द एज ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली, कैसे एकदम मोनोपोली क्रिएट कर देता जियो, लेकिन फिर एयरटेल एंड वोडा आइडिया और छोटा मोटा कंपनी जो है बीएसएनएल, ये लोग आगे आके थोड़ा दाम कम किया तो जियो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाए। अगर पहले क्या होता था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, जिसमें इकोनॉमिक पावर सिर्फ एक हाथ में आए, ये लोग नहीं चाहता था। ये लोग ऐसा लॉ बनाया, मानो अंबानी पैसा वाला, वो चाहे तो हर चीज खरीद सकता है, लेकिन ये एक्ट के तहत उसको रोक दिया जाएगा। यही एक्ट बदल गया और न्यू कंपटीशन लॉ बना कि कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, मोनोपोली क्रिएट करने का कोशिश करेगा हम लोग तुम्हारे ऊपर सजा लगाएंगे। पहले पहले का बात करें 1970s का, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी था रिजर्विंग का, मतलब कि तुमको एक छोटा सा इंडस्ट्री भी खोलना है तो वेट करना पड़ता था, बहुत दिक्कत। तुमको प्लांट एंड मशीनरी लेना है ना तो सीलिंग लिमिट लगा देता था कि अगर आप अपने इंडस्ट्री में प्लांट रखना चाहते हैं वो 3 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए टोटल में। ये सारा लिमिट को हटा दिया गया। क्यों, तुम सोचो ना, ये सब लिमिट के कारण हम लोग रुक रहे थे। अगर आज भी वो लिमिट होता तो क्या हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बना पाते? नहीं, एक लिमिट था, वो लिमिट को 1970 के बाद 1989 में ही हटा दिया गया था नया एक्ट लाकर। तो ये जो है, ये इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ। पहला चीज भैया डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये गवर्नमेंट देखता है। दूसरा बात, अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोसिव, एरोस्पेस, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, इसके लिए लाइसेंस तो अनिवार्य है। तीसरा बात, नया कंपटीशन लॉ आया है रिप्लेस करके किसको, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को। और चौथा बात, पहले बहुत लेट लगता था और बहुत रेस्ट्रिक्शन था भैया। एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी एक एक्ट था जिसमें बताया गया था कि इतना हम अपना ऑफिस इंडस्ट्री में मशीन रख सकते हैं। ये सब नाटक को हटाया और हम लोग अपने ग्रोथ को देख सकें उसके बाद से। ओके, फिर क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन के कारण बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला आने के लिए। ज्यादातर केसेस में क्या हुआ, सिर्फ इंडिया का कंपनी इन्वेस्ट नहीं किया, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज हमारे पास आई, सर हम यहाँ पे अपना प्लांट खोलना चाहते हैं, सर हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, यहाँ पे पैसा है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, अब फॉरेन के भी लोग भी थे, हर इंडस्ट्री में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, एफएमसीजी को हाईलाइट कर लो, इसका मतलब होता है फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड, वो गुड्स जिसको इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे जो भी राशन दुकान वगैरह में मिलता है वो सब। एक टॉपिक है वर्चुअल मेटामॉर्फोसिस, जिसका सरल भाषा में मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। वर्चुअल मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इंडिया में ना प्राइवेटाइजेशन बाद में आया, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आने के 10 साल पहले ही ब्रिटिश कोल माइंस के जो मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, वो उसको प्राइवेटाइज कर दी। बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि जो हेल्थ केयर था, जो एजुकेशन सिस्टम था, सब प्राइवेटाइज हो गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या भैया? मतलब एक मैनेजेरियल अप्रोच जिसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है। आज के टाइम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है भैया? जियो एयरटेल है, बट वहां पे गवर्नमेंट कंपनी भी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, 109 रुपया में 28 दिन आपको रिचार्ज देता है, स्पीड महाफालतू, 2G का स्पीड, ठीक है? तो प्राइवेटाइजेशन से भैया क्वालिटी मिलता है। प्राइवेटाइजेशन एडवांटेजियस है, एडवांटेजियस को हाईलाइट करो। कैसे भैया? फ्लेक्सिबिलिटी है, हमको हर चीज के लिए सरकार से नहीं पूछना है, हम अपना डिसीजन अपने ले सकते हैं। इनोवेटिव है, बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जियो इनोवेशन दिखाया। पहले क्या था, 200 रुपए में पाई 1 GB एक महीना के लिए, और अब 1 GB दिन का मिलता है उसी रेट। इनोवेशन ही तो है। कॉस्ट सेविंग होता है प्राइवेटाइजेशन में, लेकिन एडवर्स इम्पैक्ट भी है। अभी सरकारी नौकरी में क्या होता है, आप काम करो ना करो, जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपको देखेगा आप काम कर रहे कि नहीं, वही ढीला आदमी है, उसी को मतलब नहीं है। वहां सब रिजर्वेशन से पहुंच जाते हैं, मेहनत उतना कोई करता नहीं है, सब करप्ट होने लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो काम नहीं करता उसको भी नौकरी में रख लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं करता, बहुत लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग आलसी है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई होता है ना, उसको तुरंत निकाल देगा, गवर्नमेंट में नहीं निकालेगा। गवर्नमेंट में रखता है भाई जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेट में तुरंत निकाल देगा, बोलेगा हटाओ इसको, क्यों, बेकार आदमी काम नहीं करता। तो ये एक रिस्क है। देखो प्राइवेट कंपनी, जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, दो चीज पे ये लोग एकदम भयंकर फोकस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी। तुम जो किया, अगर गलत किया तो क्यों किया भाई, तुम जवाब दो, जवाब दे ही, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब दे ही। और दूसरा क्वालिटी। प्राइवेटाइजेशन में ये दो चीज बेस्ट है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल, इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन इज टू बी डन इफ डिलीजेंट स्क्रूटिनी बाय द डिसीजन मेकर्स इज अटैच्ड टू द पॉलिसी कंसर्न्ड। डिलीजेंट स्क्रूटिनी मतलब ध्यान से देखकर डिसीजन लीजिए, पॉलिसी को बड़ा ध्यान से सोच समझ कर, टेस्ट कर बनाइए, प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल होगा। एडवर्स इंपैक्ट क्या है भैया? डिसएडवांटेज, इंप्लाय का मॉरल डाउन होता है, क्यों, उन लोगों को निकाला जा सकता है। एडवांटेज क्या है भैया? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है, कॉस्ट सेविंग अच्छा है। दो चीज इसका स्पेशलिटी है, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी। इंडिया में आने के 10 साल पहले कहां आया था भैया? ब्रिटिश में मार्गरेट थैचर ब्रिटिश कोल माइन को प्राइवेटाइज कर दी थी, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद हेल्थ केयर, स्कूल, एजुकेशन सब प्राइवेटाइज होने लगा। इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन इजी नहीं था। इंडिया में पॉलिटिक्स का चरण जो है, पॉलिटिक्स को लेके गंदगी, वो स्टार्टिंग से है, हर पार्टी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, आई एम द रूलिंग पार्टी, तो आगे वाला पार्टी वो कैसे भड़काएगा लोगों को, आपका जमीन छीनना चाहता है, आपका नौकरी छीनना चाहता है, आपका चैन सुकून सब छीनना चाहता है, ऐसे करके उनको भड़काया गया था। तो काफी ज्यादा रिपेल मिले हम लोगों को, काफी ज्यादा मतलब लोग धरना पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जैसे आज फार्मर्स लॉ में हो रहा है वैसे। उनको मनाना कि प्राइवेटाइजेशन सही है बड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसमें सबको ही आना चाहता था, ऑयल, मिनरल, रिफाइनरी, स्टील अथॉरिटी, ये सब गजब प्रॉफिटेबल था। तो प्राइवेटाइज करेंगे तो लोग कूद पड़ेंगे यहाँ पे, तो
तो वहां पे थोड़ा बहुत बैरियर लगाया गया। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसा जो कंपनी था जो लॉस में जाने लगा था, जब देखा गवर्नमेंट हम लोग से नहीं संभाल रहा, प्राइवेट कंपनी को दिया। प्राइवेट कंपनी दो चीज करता है, क्या क्या, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी। वो किया, ये लॉस से बाहर आ गया। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट इजी इन इंडिया, बट इसका इफेक्ट अच्छा दिखा गया है। यहाँ पे एफिशिएंसी बेहतर होता है, क्वालिटी बेहतर होता है, कंपेटिटिवनेस बेहतर होता है। आई थिंक देयर इज अ डाउट ऑफ समवन। डिलीजेंस स्क्रूटिनी मतलब ध्यान से चेक करना, चेक करना, टेस्ट करना, ठीक है। अब यही सारा चीज यहाँ पे नोट में भी दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन सारा चीज का समरी है, बस ऊपर जो अंडरलाइन किए वो कुछ नया है। अभी यहाँ पे एक है, प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है इंडिया में, ठीक है। बुक में इसको स्टार मार्क कर लेना, महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। चार तरीका। पहला तरीका डेलीगेशन। भैया डेलीगेशन बोले तो गवर्नमेंट बोलेगा सुन ये मेरा काम है तुम कर, मेरा काम है तुम कर, कुछ भी होगा हम संभालेंगे। काम गवर्नमेंट को मिला, गवर्नमेंट किसको डेलीगेट कर दिया, किसको टरका दिया, प्राइवेट को दे दिया, बोला तुम कर ना, कोई दिक्कत होगा हम झेलेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल कौन, गवर्नमेंट। काम कर कौन रहा है, प्राइवेट। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट रोक टोक कर सकता है, बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया है प्राइवेट को कि तुम काम करो, नाम मेरा हो, दिक्कत होगा उसमें भी नाम मेरा होगा, गड़बड़ होगा नाम मेरा होगा, झेलेंगे। ये है डेलीगेशन। एक है डाइवेस्टमेंट। गवर्नमेंट सरेंडर करता है, क्या करता है, सरेंडर, पार्शियल ओनरशिप। पार्शियल ओनरशिप यानी कि पूरा ओनरशिप नहीं दे रहा है, मेजोरिटी 50 के ऊपर हम दे दिए प्राइवेट को, सरेंडर किए हैं, बेचे नहीं है। अगर हम ये डाइवेस्टमेंट कब, जब सरेंडर हो, अगर सेल होगा तो क्या, डिस इन्वेस्टमेंट। भैया सरेंडर और सेल में क्या अंतर है, सेल में तुम बेच रहा है, तुम बदले में पैसा ले रहा है, तो अक्सर तुम पूरा भी बेच सकता है, 100 का 100%। यहाँ पे तुम है, वहां पे है, तुम्हारा चलती खत्म, क्यों, 51% तो ले लिया है भाई प्राइवेट, तो मेरा उतना चलती नहीं है, लेकिन मेरा नाम है, प्रॉफिट होगा हमको मिलेगा, ठीक है। डाइवेस्टमेंट ये है। डिस इन्वेस्टमेंट, भाई प्राइवेट को दे दो, प्राइवेट संभालेगा, उसको बेच दो, यहां सरेंडर कर रहा है। डिसप्लेसमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइज बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट का बैंड बजा देगा, जो गवर्नमेंट कंपनी उसका बैंड बजा देगा। बीएसएनएल, एमटीएनएल बहुत बड़ा टेलीकॉम कंपनी था, एक लौता कंपनी घुसा था मार्केट में, रिलायंस, फिर आया एयरटेल, वोडाफोन, हच, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर, ये सब, ये लोग मिलकर बीएसएनएल और एमटीएनएल का बैंड बजा दिया। ये बैंड बजाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तुमको तेरा जगह से हटा देंगे। डाइवेस्टमेंट मतलब सरकार सरेंडर कर रहा है कुछ शेयर, बेसिकली मेजोरिटी शेयर। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार बेच रहा है कुछ शेयर। और डेलीगेशन मतलब नाम सरकार का, काम प्राइवेट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज गो थ्रू ऑल द 4 कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं तो यो मैसेज। कुछ नहीं करना है, खाली नाम देखना है, दिमाग में रिपीट करना है जो हम बताएं, डेलीगेशन मतलब ये, डाइवेशन मतलब ये, बस। और मेरे को यो मैसेज कर दो। ओके भैया, फोर्थ नंबर एक बार और बताया ना, फोर्थ इस पॉइंट। इन्वेस्टमेंट में सरकार अपना ओनरशिप बेच रहा है, मानो बीसीसीएल जो है वही कुछ बेच दे सरकार की, भाई हम पूरा नहीं संभाल पा रहे, टाटा तुम थोड़ा ले लो, बेच रहा है। और डिवेस्टमेंट में सरेंडर कर रहा है, मतलब उसको दे दे रहा है कि भाई तुम संभालो, हम फंस रहे। ओके सबका तो जो आया नहीं है,
टोटल 16 स्टूडेंट है, 12 का आया है, 13 हुआ, 14 हुआ, कौन लोग है जो लोग नहीं करते? ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे चारों, डेलीगेशन में हम अपना जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं, डाइवेस्टमेंट में सरकार सरेंडर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में प्राइवेट बढ़ बढ़ के बाहर निकाल दिया गवर्नमेंट वाला को, डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार अपना हिस्सा बेच रहा है, सिंपल। चलो अब आते हैं इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये कॉन्सेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन से। देखो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पहले जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा दुनिया ना एक मार्केट है, पूरा दुनिया एक मार्केट है। अरे तुम धनबाद में प्रोडक्ट बना के, बिहार में प्रोडक्ट बना के, कलकत्ता में प्रोडक्ट बना के, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी बेच सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम कर सकता है। पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बड़ा मुश्किल चीज, छोटा मोटा व्यापारी लोग तो सोचता ही नहीं था एक्सपोर्ट करने के बारे में, लेकिन जब देखा गया कि एक्सपोर्ट हम लोग के लिए अच्छा है और इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट से आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अभी इससे क्या हुआ देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, शेयर खरीद रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कैसे भी बस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी एफडीआई जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता हर सेक्टर, इसमें बढ़ने से पहले एक एफडीआई काफी फेमस एफडीआई है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में तुम लोग सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम, फ्लिपकार्ट कौन ओन करता है फिलहाल, कोई बता सकता है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इससे पहले कौन ओन करता था? सचिन बंसल, बिनी बंसल, एंड वो लोग वॉलमार्ट को आई थिंक 1.3 या 1.2 मिलियन में बेचे, रुको हम लिखे थे इसको, 1.2 बिलियन में बेचे, ठीक है। तो ये एग्जांपल था एफडीआई का, आज वॉलमार्ट विदेशी कंपनी इंडिया का कंपनी को ओन कर रहा है। एफडीआई यूनिफॉर्म नहीं होता हर सेक्टर में, कुछ जगह लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया के एडुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करता है, फॉरेन कंपनीज बहुत ऐसा इंडिया का सेक्टर है जहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, हैंडीक्राफ्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए आओ भाई इन्वेस्ट करो, कुछ में सरकार रोक लगा दिया कि 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, 49% अलाउड है, 51% अलाउड है, और ये सब तुम लोग पढ़ेगा, टेंशन मत लो किसमें भैया, किसमें 49% अलाउड है, थमो जरा, जब पढ़ रहा होगा तो परेशान हो जाएगा इतना कुछ याद करने का है। फॉर द टाइम बीइंग हर किसी में, ये नहीं कि सरकार फॉरेन को जितना मन लोग इन्वेस्ट कर सकता है, रूल है, लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है, ओके। कुछ सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है फॉरेन कंट्रीज से, खाली नाम सुनते जाना, एटॉमिक एनर्जी, निधि कंपनी, निधि कंपनी के बारे में हम कंपनीज एक्ट 2013 में बताएं, एक ऐसा कंपनी जो हम लोग सबको मिलके खोले, अपना सेविंग्स उसमें डाल रहे, किसी भी एक जन को जरूरत है पैसा निकालो, बाद में भर देना इंटरेस्ट के साथ। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, TDR बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर, सिगरेट, तंबाकू इंडस्ट्री, ये सब में बाहर का कंपनीज को आने नहीं देता, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दे, इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिट करता है इनफैक्ट इसमें से, कि तुम लोग करेगा ही नहीं। भैया ऐसे तो बहुत सारे हम लोग कंपनी के बारे में सुने हैं जो बाहर का होता है, वो इंडिया के साथ टाई अप में आता है, जैसे कि मानो कार इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें इंडिया के साथ टाई अप है, फोर्ड का आई थिंक किर्लोस्कर के साथ टाई अप, ठीक है, टाई अप का जरूरत जरूरी होता है, बिना टाई अप के बिजनेस नहीं किया जा सकता है। ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हर कंपनी को आज लगा, अरे ये तो अच्छा है बिजनेस इंडिया में, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी सोचा 100% खरीदने का, बाद में पता चला अरे यहाँ पे लॉ बोलता है 26% खरीद सकते, तो वो 26 खरीदेगा एक कंपनी। बहुत बार क्या होता है, बाहर में ना बैठा हुआ है अमेरिका में, वहां पैसा खूब है, वहां लोग बैठे हैं कि भाई इंडिया का बिजनेस आएगा, इंडिया में हम इन्वेस्ट करेंगे, और एक आदमी नहीं 10-10 कंपनी मिलकर इन्वेस्ट करेगा,
लार्ज फॉरेन ग्रुप है ये लोग, बहुत फंड है ये लोग के पास, ये लोग बाहर रजिस्टर है इन्वेस्टर के नाम से कि हम लोग का काम है, हम लोग इंडिया का इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, हेज फंड में पैसा लगाएंगे, पेंशन फंड में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, ये लोग के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो लोग पैसा लगाते हैं, तो ये लोग के पास रिसर्च टीम है, वो सीए रिसर्च करता है वहां पे, नेशनल गवर्नमेंट एफडीआई देखता है, ठीक है, पहले वो एफडीआई प्रेफर करता है, एफआईआई तो कर ही लेगा बाहर वाला आदमी, इसमें क्या होता है भैया, बहुत सारे एक कंपनी है समझिए ये, जहां पे बड़ा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग बैठा हुआ है और ये लोग डिसीजन ले रहा है कि इंडिया के किस शेयर में अभी पैसा लगाएंगे तो हमको फायदा होगा। ये लोग का इंडिया में पैसा लगाने से सिर्फ एक मकसद है, फायदा। ऊपर में क्या हो रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, भैया यहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे, इंडिया में वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग पैसा कमा रहा है, पैसा से पैसा कमा रहा है, बस। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, दोनों में अंतर है छोटा सा, ठीक है जी भैया, यहां तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं, तुमको हम लिबरलाइजेशन समझा दिए, प्राइवेटाइजेशन समझा दिए, ग्लोबलाइजेशन समझा दिए, अब समझते हैं कहानी क्या था इंडिया का सीन और क्या है इंडिया का सीन, ठीक है। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पेज में एक मैक्सिम है, लेटिन मैक्सिम, साइन कॉन ऑन, हाईलाइट कर लो, साइन कॉन ऑन मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशन, एक इकोनॉमी में सरकार का पॉलिसी बनाना साइन कॉन ऑन है, यानी कि एसेंशियल कंडीशन। जैसे हम तुम लोग को बता रहे थे बांग्लादेश में रूल क्या है पता है, सेकेंड हैंड फॉरेनर कार अलाउड है, फॉरेन से कार मंगाए बांग्लादेश में, ढाका में टोयोटा, वहीं पे टोयोटा का डीलरशिप है, वो लोग उसको फिर से थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया और बेच सकता है। इंडिया में ये अलाउड नहीं है, इंडिया में टोयोटा को भी अगर काम करना है ना तो इंडिया का किसी कंपनी से हाथ मिलाना हो, टोयोटा मिलाया किर्लोस्कर मोटर से और काम कर रहा है, ऐसे फोकट में तुम आके काम नहीं करेगा, इंडिया का भी भला होना चाहिए ब्रो, बड़ा अच्छा पॉलिसी है ये, तो गवर्नमेंट पॉलिसी इसी तरीके से इंपैक्ट करता है। बात करें एंशिएंट इंडिया का, मतलब एकदम मुगल डायनेस्टी से पहले, मुगल डायनेस्टी के टाइम क्या होता, तक्षशिला, वैशाली, नालंदा, ये सब नाम का यूनिवर्सिटीज था शुरुआत से, ये सब का किताब है जो पॉलिसी बनाना सिखाता है, मतलब कि किस तरीके से अपने प्रजा को, ये प्रजा वाला टाइम में घुस गए, राजा महाराजा वाला टाइम, किस तरीके से अपने प्रजा को हैंडल किया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य, सब सुना है मौर्य डायनेस्टी का नाम, उनमें एक विद्वान थे चाणक्य, चाणक्य नीति बोलते हैं हम लोग, वो बुक लिखे थे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स का बुक लिखे थे वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आज भी सिर्फ इंडिया नहीं बहुत सारे कंट्रीज यूज करते हैं, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र। ग्रीक में, रोमन में, जो ग्रीक में रोमन एम्पायर्स थे, प्लाटो, अरिस्टोटल, सब फिलोसोफर थे, ये लोग क्या किए, ये लोग पब्लिक पॉलिसी लिखे। अशोका द ग्रेट, मगध का जो रूलर थे, वो पीस एंड हार्मनी के ऊपर पॉलिसी लिखे, इनका स्टोरी भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अशोका एक वॉर में गए, वॉर में सबका डेड बॉडीज देखे वो डर गए, फिर वो बुद्धिज्म फॉलो किए और उसके बाद वो पीस के रास्ते पर निकले। गुप्ताज जो थे, गुप्ता डायनेस्टी, वो टैक्स, ट्रेड, मारपीट, वॉर, डिफेंस, ये सब के ऊपर एक्सपर्ट थे। दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, इनका टैक्स रिफॉर्म गजब गजब खाते थे अपना पब्लिक को। लेकिन अकबर, ये लैंड रिफॉर्म को लेके काफी ज्यादा अटेंटिव थे, इनके अंडर में जो टोडर मिल थे वो एक विद्वान थे, वो पॉलिसीज बनाए लैंड को लेकर, और वही सारा पॉलिसी ब्रिटिशर्स भी यूज किया, हम लोग भी यूज किए और आज भी लोग यूज कर रहे हैं। ये था बात एंशिएंट इंडिया का। अभी बताते हैं ब्रिटिश 1947 से पहले क्या हुआ। ब्रिटिश में, ब्रिटिश के टाइम में दादा भाई नौरोजी थे, वो एक किताब लिखी, हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब पढ़ने के बाद इंडिया का आदमी लोग का दिमाग खुलने लगा। जमींदारी सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम में मेरे पास जमीन है, हम तुमको खेती करने देंगे और बदले में तुमको मार पीट के तेरे से इतना पैसा वसूलेंगे ना तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता था उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम,
और ये जमींदारी सिस्टम जस्ट इमेजिन बहुत दिन बाद तक भी इंडिया में चलन था इसका। तो जमींदारी सिस्टम वॉज नॉट गुड, गलत पॉलिसी था ये इंडिया के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद सबको समझ में आया कि भाई अब इंडिया को कोई चीज का जरूरत है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 51 में आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5-5 साल का प्लान किया, प्लान करके देख रहा है 5 साल में क्या हो रहा है। कब आया था ये वाला प्लान? 1951 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में, जहां पे गवर्नमेंट जोर शोर से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है। लेकिन अभी तक 1956 तक प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा खेल खेलने नहीं मिल रहा। इंडिया क्या सोचता था ना कि हम कैपिटलिस्टिक नहीं बनेंगे। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है? पूरा पावर प्राइवेट का हाथ। सोशलिस्टिक भी नहीं बनेंगे, उसमें क्या होता है? पूरा पावर गवर्नमेंट का हाथ में। हम मिक्स्ड रखेंगे, दोनों का मिक्सचर। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था इंडिया के लिए। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी बना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसका काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया इंडिया में। देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है, पॉलिसी मिड 50s में, 1950 से लेकर 1960 के बीच में, और पॉलिसी 1990 के बाद। मिड 50s में क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन ज्यादातर पावर पब्लिक सेक्टर का था, सरकार का ही था। 1990 में पावर आया प्राइवेट का, प्राइवेट दिखा दिया कि हमको काम करने आता है, इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक बना दिया, सरकार का पावर खुद ब खुद हटने लगा। 1950 का बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग भी किया जाता था बैठ के। अब 1990 से मार्केट मैकेनिज्म देख रहे हैं, मार्केट को देख के हम पॉलिसी बना रहे, और यहाँ पे पॉलिसी बनाकर हम मार्केट रेगुलेट करते थे। 1950 में क्लोज्ड इकोनॉमी था, बाहर दुनिया से हमको कोई पैसा नहीं भेज सकता, हम उसको नहीं दे सकते, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद है भाई, तुम मेरे यहाँ काम नहीं कर सकता, हम तेरे यहाँ काम नहीं कर सकते। 1991 के बाद आया ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी हो गया, जिसको जहां काम करना है करो भाई। गवर्नमेंट का रूल अगर बात करें हम लोग बिजनेस में, गवर्नमेंट का पावर था 1950 में, और वो पावर जो है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कम हो गया। पहले 1950s में गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल था कंपनीज पे, और अब कम कंट्रोल है, लिबरलाइजेशन ज्यादा है। तो ये एक कंपैरिजन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्केट स्टार। ओके गुड, ये ऐसे ही टेबल टू में बोला गया है, अपने पापा और दादा लोग के साथ बैठो, बात करो 1970 में कैसा था दुनिया, 1990 में कैसा था दुनिया, कैसे आप लोग घर बनाने के लिए कितना खर्चा किए थे, सीमेंट वगैरह कैसे लगा, स्कूटर कार क्या था उस टाइम, फोन कनेक्शन कितना बड़ा बात होता था, कितना बार रेस्टोरेंट जाते थे खाने के लिए, ये सारा चीज के बारे में बात करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, गवर्नमेंट इंडिया में पॉलिसी कैसे बनाता है? दो लेवल पे बनाता है। पहला लेवल मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें वो फिस्कल पॉलिसी बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। फिस्कल पॉलिसी ज्यादा जरूरी है फॉर द टाइम बीइंग। फिस्कल पॉलिसी बोले तो गवर्नमेंट कैसे पैसा लेगा, कितना टैक्स लगाएगा और कितना खर्चा करेगा, कहाँ खर्चा करेगा, ये पॉलिसी, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर आया सेक्टर मैनेजमेंट, कि अलग अलग सेक्टर को फोकस करना। एग्रीकल्चर, पता है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड, इससे रिलेटेड लॉ बनाता। पहला क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जहां पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, और फिर अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड रूल बनाता ये लोग, ठीक है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है? मानो मानो सरकार बोला टैक्स बढ़ा रहे, ये उनका फिस्कल पॉलिसी है। अब अगर हम 500 रुपया कमा रहे, 300 सरकार को दे रहे, मेरे पास 200 बच रहे हैं, क्या बिजनेस करें भाई, इसमें कैसे बिजनेस बढ़ाएं अपना? तो सरकार को फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस लाना होगा, टैक्स कम करना होगा। हाँ भैया, आज COVID-19 पे सरकार क्या कर रहा है? टैक्स कम कर रहा है, कोई उपाय नहीं है वो लोग के पास, कैसे खर्चा करे भाई? आदमी टैक्स दे तो दे, कैसे कमाएगा तब ना देगा। तो फिस्कल पॉलिसी बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर के बारे में, वैसे इंडिकेटर जिसको देख के हमको समझ में आता है कि कंट्री का हालचाल क्या है। पांच चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचों का पांचों।
पहला जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा टैक्स का रेट, चौथा इंटरेस्ट का रेट, पांचवा एक्सचेंज का रेट। रिपीट अगेन विथ मी एट योर रिस्पेक्टिव होम्स। पहला जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा टैक्स का रेट, चौथा इंटरेस्ट का रेट एंड पांचवा एक्सचेंज का रेट। एक एक करके हम लोग सबसे डील करते हैं। जस्ट इमेजिन हम लोग का जीडीपी ग्रो कर रहा है, ग्रो ही ग्रो किए जा रहा है, क्या लग रहा है देश का स्थिति देखते कैसा होगा भैया? अच्छा होगा, क्यों? जीडीपी ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन, चलो अब सेकंड सिचुएशन में इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, हर चीज का दाम बढ़ते ही जा रहा है, क्या होगा? खराब लगेगा भैया, हर चीज का दाम बढ़ना भी गड़बड़ चीज है। तो इन्फ्लेशन कैसा होना जरूरी है भैया? मॉडरेट। जीडीपी कैसा होना चाहिए भैया? ग्रोइंग। टैक्स रेट कैसा होना चाहिए? जितना कम उतना अच्छा, क्यों? लोगों के हाथ में पैसा छोड़ भाई, जो लोग खर्चा कर सके, सब सरकार को देगा तो खाएगा क्या? इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए? कम, क्यों? हम तुमको 100 रुपया उधार देंगे और बदले में 200 मांगेंगे, तुम कभी उधार लेना चाहेगा? नहीं। तो रेट को कम रखो ताकि लोग उधार लें और चुकाएं भी। और एक्सचेंज रेट ये भी मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, जैसे इन्फ्लेशन था मॉडरेट। ये बेस्ट है, इसको बोलते हैं ये बिजनेस का टॉनिक है। क्या क्या? ग्रोइंग जीडीपी, मॉडरेट इन्फ्लेशन, लो टैक्स एंड इंटरेस्ट, मॉडरेट एक्सचेंज रेट। ये चीज अगर तुम ध्यान में रखे बिजनेस अच्छा से चलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो सारे चीज को बताया है, अगर जीडीपी राइज कर रहा है तो क्या होगा? इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म होगा, लोग अच्छा से सोच पाएंगे, क्यों? पैसा है भाई खर्च करने के लिए, डिमांड ज्यादा होगा, क्यों? पैसा है भाई खर्च करने के लिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अच्छा होगा, हमको क्या लगेगा मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। जबकि बात करेगा इन्फ्लेशन का और वो मॉडरेट है तो क्या होगा? हम डिमांड और प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, नॉर्मल है। टैक्स अगर कम होगा तो मेरे पास पैसा बचेगा भैया, जिसे हम खर्च कर सके। इंटरेस्ट कम होगा तो भैया हम लोन लेके काम चालू करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे। एक्सचेंज रेट मॉडरेट होगा तो भैया इंडिया में जो सामान बना रहे ना वो एक्सपोर्ट करना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम एक्सपोर्ट करें और हमको पैसा मिले। तो ये एकदम वैलिड बात है। और ये सब क्या है भैया? ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट ये तुम लोग को रीड करना है। ये जो हम बात बताए ना कि जीडीपी राइज होगा तो अच्छा है, यहाँ पे क्या बताया है सुनो, जीडीपी फॉल होगा तो क्या? बुरा है, पेसिमिस्टिक सोच होगा, डिमांड का जो एक्सपेक्टेशन है वो गिर जाएगा, सिंपल। और वही बात को बताया है, तो वाई टू वेस्ट टाइम, तुम लोग रीड करेगा ये सब हो जाएगा, ठीक है भैया? यहां तक तो कहानी क्लियर। अब बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। देखा गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होता है वो ऐसा ही नहीं है कि बस रूम बंद रूम में बन गया, उसके लिए बड़े लोग बैठते हैं जिनको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो लोग डिसीजंस लेते हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का? जो मिनिस्ट्री है उसका। फाइनेंस रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडुकेशन रिलेटेड है तो एडुकेशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री क्या करता है? कमिटी बैठाता है, कमीशन बैठाता है, इंस्टीट्यूशन बैठाता है, वहां पे बात होता है, वो लोग मिनिस्ट्री को बताता है कि भाई ये सही है, और फिर मिनिस्ट्री उस चीज को लागू करता है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? रिकोर्स इज टेकन टू अ वाइडर कंसल्टेशन, ज्यादा लोग से पूछा जाता है ग्राउंड लेवल पे। हम लोग जैसे बहुत बार क्या होता है ना, पूछा जाता है पब्लिक से कि क्या चाहते हैं आप लोग, क्या लगता है आप लोग को। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो लोग किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं हमारे नेशन से, उनसे जाना जाता है और फिर पॉलिसी ड्राफ्ट होता है। पॉलिसी ड्राफ्ट होता है, पॉलिसी को कमेंट मिलता है, अच्छा है कि बुरा है, बुरा है तो क्रिटिक मिलेगा, बेहतर करने के लिए सजेशन मिलेगा। पॉलिसी को इस तीन चीज के बाद, कमेंट, क्रिटिक, सजेशन के बाद रीफ्रेम करके इंप्लीमेंट करता है। अगेन प्रोसेस को देखो, इमेजिन करो भैया मिनिस्ट्री लेगा डिसीजन, मिनिस्ट्री बैठा दिया कमिटी, कमिटी ग्राउंड लेवल पे पूछ रहा है भाई क्या सही है क्या गलत है, एक बनाया लॉ या फिर पॉलिसी, वो पॉलिसी पे कमेंट आया, क्रिटिक आया, सजेशन आया, उस हिसाब से हम रीफ्रेम करके उसको फिर से पेश करेंगे और वो मेरा है, ठीक है? एग्जाम्पल आरबीआई, गवर्नमेंट का मनी, गवर्नमेंट क्या लोन दे रहा नहीं, सब आरबीआई देखता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है इनके पास, जैसे कि बैंक रेट,
सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, जिससे ये लोग मार्केट रेगुलेट करेंगे। अगर ये आरबीआई मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देगा, सप्लाई उधार उधार देने का क्षमता बढ़ा देगा, दिक्कत है भाई, सबके हाथ में पैसा होगा, सबका डिमांड जाएगा, बढ़ डिमांड बढ़ता है तो क्या बढ़ता है साथ में, प्राइस। भैया डिमांड बहुत ज्यादा होगा, सप्लायर प्राइस बढ़ाएगा। अभी देख लो रेमडेसिविर प्राइस बढ़ा हुआ है, फेबीफ्लू प्राइस बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन प्राइस बढ़ा हुआ है, क्यों? डिमांड हाई है, सप्लाई शॉर्टेज हो गया। तो ये तो हम लोग को देख के समझ में आ रहा है क्या इफेक्ट होता है ये सब चीज का, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोसेस जो होता है ना ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक देगा आगे वाला, जिसके भारत की जनता के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है उनसे फीडबैक लिया जाएगा, सर्वे होगा कि ये लोग कितना खुश है, और अगला जो पॉलिसी बनेगा या फिर जो भी इसमें अमेंडमेंट होगा उस फीडबैक के बेसिस पे होता है। तो खाली हम थोप रहे क्या, इंडिया का रूल क्या, खाली थोप दो जनता पे, नहीं, फीडबैक लिया जाता है और उस पे सोचा भी जाता है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। जीएसटी बनने के बाद कितने अमेंडमेंट आए, क्यों? जनता का जरूरत देखकर, फीडबैक देखकर, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था, पॉलिसी कैसे बनता है, कैसे उसका इंपैक्ट कैसे होता है मार्केट पे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का टाइप क्या है। चार टाइप है सिंपल। पहला प्रोटेक्टिव पॉलिसी, मतलब बिजनेस को प्रोटेक्शन देंगे हम ताकि बिजनेस सस्टेन कर पाए, ग्रो कर पाए। जैसे मिड 50s, आई मीन 1955 से लेकर 1980 तक क्या हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री था, बाहर का कंपनी नहीं आता था ताकि इंडिया का कंपनी बढ़ते जाए। तो भाई प्रोटेक्टिव पॉलिसी मतलब अपने देश के कंपनीज को बेहतर करना, मजबूत करना। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मतलब कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ, मतलब कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ का मतलब क्या होता भैया, मतलब कि तुम कंज्यूमर और पब्लिक को देख रहा है खाली, बिजनेस के लिए काफी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिया है। एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ अ फर्म इनटू मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडोर इट विद इकोनॉमिक पावर। मानो जियो के पास बहुत सारा पावर आ गया, वो मन धड़क प्राइस सेट कर रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट है ना, ये सब कहाँ बना है? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अंदर, ताकि बिजनेस को रोका जा सके। प्रोटेक्टिव में बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टिव में उन लोग बदमाशी करेगा तो उन लोग को रोकेंगे। रेगुलेटरी में क्या है, देखो क्या बोलता है पॉलिसी में, तुमको हम फ्रीडम दिए काम करने के लिए, गुड, लेकिन कुछ रूल्स का पालन करना है, कुछ रूल्स का पालन करना है। जैसे कि तुम होर्डिंग नहीं करेगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री कि इसको सरकार ही हैंडल करेगा, डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये सब सरकार का मैटर है। आरबीआई, सेबी, ये सब इंडिपेंडेंट रहेगा, इसमें प्राइवेट बॉडी नहीं घुसेगा ज्यादा। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारा रूल बना रहा है बैठ के। सेबी रूल बनाया, आरबीआई रूल बनाया, आईआरडीए रूल बनाया, रेलवे का अपना रूल है, और ये सब रूल तुम लोग को फॉलो करना है, चाहकर या ना चाहकर। प्रोटेक्टिव पॉलिसी बिजनेस को बचा रहा है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बदमाशी करने से रोक रहा है, रेगुलेटरी पॉलिसी रूल वगैरह इसमें सारा जो इनको फॉलो करना है, एंड लास्ट में डेवलपमेंट या फिर फैसिलिटेटिव पॉलिसी, जो कोई एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। जैसे कि स्मॉल सेक्टर जितने भी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हम लोग सुन रहे थे एमएसएमई में इतना रुपया दी निर्मला सीतारमन जी, यानी कि जितने भी छोटे मोटे बिजनेस एंटरप्राइज है उनको पैसा देना। एनएसडीसी का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये लोग तुमको कुछ स्किल सिखाएंगे, उसके लिए तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुम ये स्किल सीख चुका है, और इस सर्टिफिकेट का वैल्यू भी होता है एनएसडीसी का। तो ये सब क्या है, डेवलप कर पाए अपने बिजनेस को, इसीलिए पॉलिसी बना। चार पॉलिसी बना भैया, पहला बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव पॉलिसी, दूसरा बिजनेस को बदमाशी करने से रोकने के लिए रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, तीसरा बिजनेस में अच्छा रूल मेंटेन हो, लॉ मेंटेन हो, रेगुलेटरी पॉलिसी, चौथा उनका डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस ग्रोथ दोनों साथ ही साथ चल रहा है, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करेगा, बिजनेस का ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा।
सब प्राइवेट मल्टीनेशनल सब पे इफेक्ट आता है। तो ये सारा चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि पॉलिसी जब चेंजेस आएगा शेयर मार्केट चेंज होगा। हम लोग को इंटरप्रेट करना है कि इस पॉलिसी चेंज के कारण क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा या बिजनेस फॉल करेगा। हम लोग को गवर्नमेंट के पॉलिसी को इंटरप्रेट करना सीखना है, देखना है कि वो सपोर्टिव है कि नहीं, प्रमोशनल है कि नहीं, और फिर डिसीशन लेना है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, दैट्स इट, पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट, चैप्टर 1 चैप्टर 2 बीसी का कंप्लीट, 3 चैप्टर बाकी है। ठीक है, लेट मी शो यू वन थिंग।